एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान के बिग बॉस ओटीटी 2 की सफलता के बाद अब एक बार फिर से फैंस बेसब्र हो उठे हैं। अब उनके इस रियलिटी शो के टीवी पर ऑन एयर होने का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। बिग बॉस सीजन 17 में बतौर पार्टिसिपेशन अब तक कई सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ चुके हैं। हाल ही में ये खबर आई कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभा चुकी दिशा वकानी को मेकर्स ने बिग बॉस सीजन 17 के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि असित मोदी पर गंभीर आरोप लगाने वाली बावरी उर्फ मोनिका भदौरिया के भी इस शो में हिस्सा लेने की चर्चा जोरों पर है, जिस पर अब खुद एक्ट्रेस ने जवाब दिया है। तारक मेहता में बावरी का किरदार निभाने वाली मोनिका कुछ महीने पहले चर्चा में आई थी। अब हाल ही में टेली चक्कर से बातचीत करते हुए उन्होंने बिग बॉस 17 में पार्टिसिपेट करने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, मैंने इस बार बिग बॉस ओटीटी देखा है और मुझे उसमें काफी लोग पसंद आए। फलक नाज, मनीषा रानी, हर कोई शो में मेरा फेवरेट है। मेरे लिए काम सिर्फ काम है। अगर मैं बिग बॉस करती हूँ तो इसे मैं महज एक काम की तरह ही करूँगी। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर मुझे इस शो के लिए अप्रोच किया जाता है तो मैं जरूर इसका हिस्सा बनूंगी। आपको बता दें कि जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल के बाद मोनिका भदौरिया ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सेट पर उनका भी शोषण हुआ है और निर्माता ने उनका बकाया भी अब तक नहीं दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।